सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएस अनित सराफ, योर फ्रेंड, मेंटर एंड कोच फॉर ऑडिट एंड लॉ. सो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली आई एम गोइंग टू डील विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. स्टूडेंट्स की क्वायरीज है कि सर, नवंबर 18 के जो एग्जाम्स हैं, नवंबर 18 के एग्जाम्स के लिए ऑडिट एंड लॉ के अंदर कितने अमेंडमेंट्स हैं, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर, क्या सर हमें दोबारा से क्लासेस लेने की जरूरत है, क्या सर अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं. तो अगेन जस्ट एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है मेरे साइड से कि देखो, जो अमेंडमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है और अमेंडमेंट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल हैं. राइट, अमेंडमेंट जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मैनेजेबल अमेंडमेंट्स हैं. अगर ऑडिट की बात करें तो अमेंडमेंट्स आर रिस्ट्रिक्टेड, बहुत लिमिटेड है. दो स्टैंडर्ड्स हैं रिवाइज हुए हैं, ऐसा भी नहीं कि पूरा चेंज हो गया, थोड़े बहुत रिविजन्स हैं. अगर हम कंपनी अकाउंट्स ऑडिट के चैप्टर्स की बात करें तो वहाँ नफरा का कॉन्सेप्ट नया आ गया है, एक आधा चेंजेस है. राइट, तो ज़्यादा चेंजेस नहीं है. देर आर नौ मेजर चेंजेस. मेजर चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस हैं. माइनर चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस नहीं है, आराम से मैनेजेबल है. आपको मेरा एक पीडीएफ शीट मिल जाएगा 7 पेजेस का, तो उससे आप आराम से अमेंडमेंट्स कर सकते हो. उसका रिविजनरी वीडियो या ऑडियो वो भी कुछ मिल जाएगा, तो आराम से उससे अमेंडमेंट्स मैनेज हो जाएंगे. एंड सर, अगर लॉ की बात करें तो लॉ की भी अगेन बात करें तो अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन सर, हमने तो सुना है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 एप्लीकेबल हो गया लॉ के पेपर में. तो भाई, कंपनीज एक्ट 2017 की भी बात कर लें तो देखो, सारे के सारे सेक्शंस तो सबसे पहले सीए फाइनल लेवल के नहीं हैं. ज़्यादातर सेक्शंस आईपीसीसी लेवल के हैं, कुछ सेक्शन सीए फाइनल लेवल के हैं. उसमें भी जो सेक्शंस नवंबर अप्रैल 30 तक नोटिफाई हो चुके हैं, सिर्फ वही एप्लीकेबल होंगे. राइट, और अप्रैल 30 तक जो सेक्शंस नोटिफाई हो चुके हैं उनमें से भी काफ़ी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो थ्योरेटिकल हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बन सकता. कुछ ही ऐसा सेक्शंस हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है. तो ज़्यादा डरने की घबराने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है कि भाई अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा है, दोबारा से क्लासेस लेनी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ और सिर्फ आपको डराया जा रहा है. राइट, सिर्फ आपको डराया जा रहा है. आपको क्लासेस अगर लेनी है तो इस रीज़न से बिल्कुल ना लें कि अमेंडमेंट्स बहुत सारे हैं. हाँ, ये अलग बात है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना है आपको. राइट, रिविजन करना है पूरे सिलेबस का, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट डोंट जॉइन एनी क्लासेस या एनी रिविजनरी क्लासेस ओनली विद दैट स्कोप कि भाई अमेंडमेंट बहुत सारे हैं. अमेंडमेंट्स बहुत ही लिमिटेड है. लॉ ऑडिट दोनों के अमेंडमेंट के पीडीएफ शीट आपको मिल जाएगा. राइट, रिविजनरी ऑडियोज वीडियोज वो भी आपको मिल जाएंगे. सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. राइट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. And I hope you are staying connected with me in the revisionary WhatsApp group, in the Telegram groups, right? आप जो भी revisionary WhatsApp groups है और Telegram groups है वहाँ connected हो. ये जो video होगा, video के नीचे comment में मैं अपने Telegram channel का link डाल दूँगा. वीडियो के नीचे कमेंट में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा. तो आप वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको सारे पीडीएफ, सारे ऑडियोज, सब कुछ मिल जाएगा, सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल होंगे. राइट, सो ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड अगेन स्टे अपडेटेड फॉर फर्दर वीडियोज. डू शेयर द वीडियोज, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोज़.